सो गाइस आज है पार्ट टू जिसमें मैं आप लोगों को स्प्रेस के बारे में बताऊंगी। लोगों को ये ऐसे एक होल्ड स्प्रे, लॉरियल का एलनेट ले सकते हो, टैफ्ट का नंबर 5 ले सकते हो, बेस्ट है वो, सब पे चलेगा, हर एक हेयर स्टाइल पे आप लोग उसको यूज कर सकते हो हेयर पे। सेकंड है, आपको ऐसा एक शाइन स्प्रे चाहिए, ओसिस का शाइन स्प्रे आपके पास होना ही चाहिए, कंपल्सरी है। और थर्ड, आपको एडवांस हेयर स्टाइल जो गैपिंग पुलिंग एंड ऑल करना है ना, उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी क्यून का स्प्रे ले लो, बहुत अच्छा है क्यून का स्प्रे, एकदम कड़क हो जाते हैं बाल और बहुत ही अच्छे से हेयर स्टाइल्स को ये होल्ड भी करता है। 1300 का है ये, 1350 का है, सॉरी 1350 का है, और काफी ये लॉन्ग लास्टिंग आप लोगों को रिजल्ट देगा। और ये ओसिस का जो है ये 1000 का है, ये 1000 का है, ये 1300 का है। और टाफ्ट का नंबर 5 मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ ये दोनों ही स्प्रेज यूज करती हूँ, क्यून और ओसिस, बस ये दोनों ही स्प्रे यूज करती हूँ। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ ओसिस कि आप लोग ओसिस का होल्ड स्प्रे आता है वो यूज कर सकते हो, ब्लैक कलर का बॉटल आता है, टैफ्ट का नंबर 5 आप लोग यूज कर सकते हो, या तो फिर अगर किसी के बाल बहुत ही जिद्दी है, बिल्कुल भी नहीं मान, बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहे, उस केस में आपको टैफ्ट का नंबर 6 लगेगा, वरना नंबर 5 लॉरियल का एलनेट। ये अगर आपके क्लाइंट आपको ज्यादा पैसा नहीं दे रहे और आप लोगों को नहीं हो रहा क्यून एंड ऑल यूज करने, तो उस केस में फिर आप लोग लॉरियल का एलनेट यूज कर सकते हो, टैफ्ट भी अच्छा है वो भी यूज कर सकते हो। ये है हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे, मेरे पास लॉरियल का है। आप लोग कंस्ट्रक्टर ब्रांड का एक आता है वो भी बहुत अच्छा है, आप लोग वो वाला हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे यूज कर सकते हो। हीट प्रोटेक्ट स्प्रे गाइस बालों को वॉल्यूम भी देता है, तो इसलिए हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे आपको यूज करना है पहले। और फिर नेक्स्ट है जेल, तो ये वेट जेल है मेरे पास, ये नीवेल का जेल है, बट ये अभी नहीं मिल रहा है, तो आप लोग ओसिस का ही जेल ले लेना। पर्ल्स को खोलने के लिए आप लोगों को ऐसे जेल हाथ में लेना होता है और फिर उसको ऐसे खोलना होता है कर्ल्स को, क्योंकि हम लोग कर्ल्स को खोलेंगे तो रुकना भी तो चाहिए रहे, तो उसके लिए आपको जेल चाहिए, नीवेल का है। बट अगर आपके पास नीवेल का जेल नहीं है, नहीं मिल रहा है आपको, तो इट्स ओके, आप लोग कोई भी ले सकते हो जेल, ओसिस का आता है वो अच्छा है। स्लीक हेयर स्टाइल जब चपटा लुक करना होता है ना, तभी वो ओसिस का जेल आप लोग यूज कर सकते हो, या तो मैं ये यूज करती हूँ लेट्स जैम, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूएस में यही मिला, तो इसलिए मैंने ये वाला यूज किया है, बट इंडिया में ओसिस का बेस्ट है। नेक्स्ट आप लोगों को ये लॉरियल का मैजिक रीटच कलर है ये, ओके, बालों पे, यहाँ पे स्कैल्प के यहाँ पे जो बाल कम है, देखो मेरे भी कम है, तो यहाँ पे आप लोग ये ऐसे स्प्रे को स्प्रे कर सकते हो, जिनके बाल कम है उनके लिए, जिनका स्कैल्प दिख रहा है उनके लिए, तो ये डार्क ब्राउन में आप लोग ले सकते हो, सबको सूट हो जाता है। नेक्स्ट एक पाउडर आता है, ठीक है, ओएसएस का ही, अगर किसी के इस बाल कम है, वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी, तो आप लोगों को रूट्स में थोड़ा वो पाउडर डालना होता है जिससे वॉल्यूम हो, ये सब कुछ मैं प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट है गाइज, अभी मैं आप लोगों को हेयर एक्सेसरीज के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो आप लोगों को ये ऐसा एक ये चाहिए, पफ, लॉन्ग पफ चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग पफ्स, यहाँ पे आपको रखने के लिए, ब्राइडल पफ जब भी बना रहे हो ना, तभी आपको ये बहुत काम आएगा, तो ऐसा एक पफ चाहिए आपको। नेक्स्ट आपको थोड़े हेयर एक्सटेंशंस, ये देखो, ये ऐसे आर्टिफिशियल बंस आप लोग ले सकते हो, ताकि आप लोगों को ये रोज वगैरह हाथ से बनाने की जरूरत नहीं है, या बंस, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है गाइस हाथ से बनाने के लिए, तो आप लोग अच्छा है कि ऐसे रेडीमेड आप लोग रखो, ताकि आप लोग नॉर्मल एक बन डाल दो, उसके ऊपर ही अटैच कर दो, दैट्स इट। फिर साउथ इंडियन हेयर स्टाइल में देखो, ये वाला आप लोग ले सकते हो, ऐसे वेणी मिलती है, तो ये सिर्फ एग्जिस्टिंग उनके जो बाल है उस पर ऐसे लगा दीजिए, और फिर इसको यहाँ पे देखो थ्रेड्स है उनके चोटी के साथ, इसको आपको बांध देना है, दैट्स इट, और ये बहुत अच्छा दिखता है, साउथ इंडियन का जो हेयर स्टाइल होता है ना उनके लिए भी आते हैं, जो आप लोग ऐसे मेसी ब्रेड के साइड में वगैरह लगा सकते हो, तो इसे, तो ये विंसम बाय सिमरन से आपको मिल जाएगा सब कुछ। फिर ये देखो ये, या मयूर एक्सेसरीज से भी सब कुछ मिल जाएगा, या ऐसे रेडीमेड बंस ले लो, फ्लावर बंस, ताकि ऐसे लगा दो, पिंस में उसको अटैच कर दो। रेड रोजेस का है एक, रेड रोजेस का है एक, पिंक का है, इससे भी बड़े बड़े बंस आते हैं, वो आप लोग लेना, वो छोटे हैं थोड़े से एक्चुअली, आप और बड़े भी ले सकते हैं। क्लिप्स वाले भी हेयर एक्सटेंशन आते हैं, किसी को मैसी बन चाहिए तो आप लोग ऐसे भी क्लिप्स, मतलब जो मॉम्स वगैरह होती है, ब्राइड की मॉम्स, आंटीज, उनको भी अगर क्विक कुछ करना है आपको, तो आप लोग ये वाले ऐसे वाले लगा सकते हो पिन, तो ज्यादा आपको भी आपका भी टाइम बचेगा। तो पाउडर मिल गया मुझे, तो ये ओसिस का है डस्टेड पाउडर, तो ये पाउडर आपको बस यहाँ पे स्प्रे करना होता है, डालना होता है, जिससे उनके बाल में वॉल्यूम आ जाए। नेक्स्ट आप लोगों को ऐसे लेस रखने हैं थोड़े से, देखो ये अलग अलग स्टाइल के लेस है, ऐसे पतले लेस, फिर ये वाले ऐसे
गोटा पट्टीज, ओके ऐसे गोटा पट्टी रखिए, क्योंकि इसमें मैं थोड़े आप लोगों को इसके लिए हेयर स्टाइल सिखाऊंगी जो आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। बाकी हेयर एक्सेसरीज में देखो आप ऐसे छोटे छोटे फूल रख सकते हो, इसका भी मैं आप लोगों को एक हेयर स्टाइल बताऊंगी, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे फूल रख सकते हो, वो हेयर स्टाइल्स में बहुत अच्छे दिखते हैं। बटरफ्लाईज रख सकते हो, कर्ल्स करने के बाद ही ना ऐसे बटरफ्लाई बहुत ही प्यारा दिखता है। और फिर मराठी हेयर स्टाइल के लिए ये आप लोग ये ऐसे वाले लिख सकते हो, ये जैसे छतरी जो आता है, छतरी ऊपर लगा। ड्राई शैम्पू आप लोग रख सकते हो, मेरे पास नहीं है ड्राई शैम्पू, बट आप लोग ड्राई शैम्पू रख सकते हो अगर यू नो किसी ने अपने बाल धोए नहीं है, और या किसी का स्कैल्प जो है बहुत ज्यादा ऑयली है बट उनको हेयर स्टाइल करना ही है और बाल धोने का भी उनका टाइम नहीं था, बाल नहीं धोए उन्होंने, तो उस केस में आप लोग ड्राई शैम्पू यूज कर सकते हो। ड्राई शैम्पू कैसे होता है ना, ऐसे स्प्रे करने के बाद इसे फोम के जैसे बाहर आता है, पाउडर के जैसे होता है वो, तो वो ऐसे डाल देना पूरे उनके स्कैल्प पे और फिर अच्छे से ऐसे ऐसे रगड़ना, ऐसे रगड़ोगे ना तो अच्छे से उनके बालों को पूरा ड्राई कर देगा, पूरे ऑयल को सोख लेगा, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में होता है। स्प्रे करने के बाद निकलेगा वो पाउडर फॉर्म में, बालों में सेट हो जाएगा और फिर मसाज कर दीजिए, स्कैल्प एकदम ड्राई हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस, अगर किसी के बाल बहुत ज्यादा रफ है तो उस केस में आपको एक कंडीशनर लगेगा, कंडीशनर स्प्रे आता है। बहुत ज्यादा रफ बाल है, आपको लग रहा है बिल्कुल भी स्मूथ नहीं लग रहा है, थोड़ा भी अच्छा नहीं आया है ना फिनिश, तो उस केस में आप लोगों को थोड़ा सा वो कंडीशनर लगाना होगा। श्वार्ज़कॉप का ये कंडीशनर आता है, आप लोगों को बस थोड़ा स्प्रे करना है और फिर आप देखो कि बाल एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। फिर एक आता है कलर टेम्प्रेरी, टेम्प्रेरी कलर करने का, किसी को परमानेंट कलर नहीं चाहिए पर टेम्प्रेरी चाहते हैं उनका बाल थोड़ा रेड दिखे, ब्लॉन्ड दिखे, तो उस केस में आप लोगों को टेम्प्रेरी कलर मिलता है, बी ब्लेंड का मिलता है, कोबे का मिलता है, तो आप लोग ये ऐसे अमेजोन पे मिल जाएगा आपको, तो ये ऐसे स्प्रे कर सकते हो उनके बालों पे, जहां पे उनको एक ऐसे ले सकते हो स्टैंड और उसको ऐसे स्प्रे कर सकते। ये कलर स्प्रे मैं यूज नहीं करती हूँ गाइज, बट आप लोगों को चाहिए तो आप लोग वो टेम्प्रेरी कलर स्प्रे ले सकते हो। नेक्स्ट गाइज, हमेशा याद रखो कि जब भी आप लोगों को हेयर स्टाइल करना है तो हेयर को प्रेप करना है आपको। हेयर को हम लोग जैसे मेकअप करने से पहले फेस को प्रेप करते हैं, तैयार करते हैं ना फेस को, वैसे आपको बालों को भी तैयार करना है। कोई भी हेयर स्टाइल सिल्की बालों में नहीं हो सकता है, आप लोगों को उसको एक रफ टेक्सचर लाना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बालों को वॉश कर लेंगे क्लाइंट, तभी उनको बोलना है कंडीशनर मत लगाओ, उसे शैम्पू वॉश करना है। शैम्पू वॉश के बाद सेकेंड आपको क्या करना है, आपको हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे यूज करना है। पहले उनके बालों पे पूरा हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे यूज कर लीजिए, ताकि उनको भी अच्छा लगेगा कि आप उनके बालों का ध्यान रख रहे हो और आपको भी एक अच्छा वॉल्यूम भी मिल जाएगा उससे। वो होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ब्लो ड्राई करना। ब्लो ड्राई में एक अच्छा वॉल्यूम ऐड हो जाता है बालों में और फिर एक टेक्सचर ऐड होता है, थोड़े रफ हो जाते बाल और हेयर स्टाइल के लिए बहुत अमेजिंग हो जाता है वो टेक्सचर। नेक्स्ट आपको करना है क्रिम्पिंग। तो ये चार चीजें आपको हमेशा बालों पे करना ही है। पहले है बालों को वॉश, अगर उसने वॉश नहीं किया होगा तो फिर आपको ड्राई शैम्पू यूज करना होगा उनके बालों पे। नेक्स्ट है आप लोगों को हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे यूज करना है ब्लो ड्राई, और ब्लो ड्राई के बाद आप लोगों को करना है क्रिम्पिंग, और क्रिम्पिंग के बाद आपको शाइन स्प्रे उनके बालों पे स्प्रे करना है। क्रिम्पिंग हो जाएगा ना, दूर से शाइन स्प्रे स्प्रे करना। तो ये पांच स्टेप्स करने के बाद आपके जो बाल है ना क्लाइंट के एकदम तैयार हो जाएंगे। गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों को कैसे आप लोगों को प्रैक्टिकली ये सब करना है ये देखेंगे। सो गाइस, अच्छा लगा आज का वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज बनाने के लिए। और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।